हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बेस पर बताया था। मैंने बताया था कि दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिस किया है तो आप ज़रूर देखिए, ताकि आप कुछ नया सीख सके, आपके नॉलेज में कुछ और इन्हेंसमेंट आ सके, कुछ और इंक्रीज हो सके। आज के वीडियो लेक्चर में मैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हाइब्रिडाइजेशन है, और ये हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ? वैलेंस बॉन्ड मतलब जो है सबसे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अप्रोच बॉन्ड फॉर्मेशन में किस तरीके से होता है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आइए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझें तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो था सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक तीन चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एटम से बिलोंग करने चाहिए, डिफरेंट एटम से बिलोंग नहीं करने चाहिए, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे डिफरेंट के, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। जब ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्सिंग होगा तो इंटरमिक्सिंग के बाद उनके एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ है ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एनर्जी का मूवमेंट होता है। अगर दो ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाई है, दूसरे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूवमेंट होगा, किसका होगा, एनर्जी का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से दोनों ऑर्बिटल्स में या दो से अधिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है। और जब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में सभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल शेप को ले लेती हैं, याद रखिएगा आइडेंटिकल शेप को ले लेती हैं, साथ ही साथ आप देखोगे कि इनमें एनर्जी का लेवल भी एक जैसा हो जाता है। ठीक है, अब आइए मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स belongs to same atom having slightly difference in their energies. And after mixing, redistribution of energy take place as the result. इसका रिजल्ट क्या होता है? The orbitals acquire identical shape. और इसका रिजल्ट जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, एंड द न्यू ऑर्बिटल्स
प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे कहते हैं। मैंने क्या लिखा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंग्स टू द सेम एटम, जो सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए और कम से कम दो होने चाहिए, दो से अधिक तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो होना चाहिए, हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन देयर एनर्जी, उनके एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एंड आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑर्बिटल्स जिनका शेप अलग अलग होता है वो सबका जो था शेप एक जैसा होने लगता है, तो एज द रिजल्ट ऑर्बिटल्स एक्वायर आइडेंटिकल शेप एंड न्यू ऑर्बिटल्स, और जो भी नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इस प्रोसेस के बाद उनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत। फिर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जैसे मैं इस प्रोसेस को अगर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूं तो आप जानते हो कि जैसे आमलेट बनाते समय दो अंडे को सेम जो है पैन में कढ़ाई में हम लोग डालते हैं तो उनका जो येलो यॉक वाला पार्ट होता है वो आपस में मिक्स हो जाता है, जब मिक्स हो जाता है तो दोनों का शेप एक जैसा ही हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में भी होती है। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कंटेनर है, दो केन है, एक लीटर का, एक में जो था व्हाइट कलर का पेंट भरा हुआ है और दूसरे में रेड कलर का पेंट भरा हुआ है। दोनों केन से मैं पेंट को निकाल के एक बड़े से कंटेनर में मिक्स करता हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ तो दिखाई देता है कि अब उसका कलर कैसा हुआ, ना तो व्हाइट रहा ना तो रेड हुआ, दोनों का इंटरमीडिएट कलर आ गया और इंटरमीडिएट कलर कैसा होगा, पिंक कलर होगा। तो बिल्कुल यही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सभी ऑर्बिटल में एनर्जी एक समान हो जाती है और सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या आइडेंटिकल शेप को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होगा, तो एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप है वो डंबल शेप होना चाहेगा और जो डंबल शेप वाला पी ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप होना चाहेगा। इस तरीके का एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री शेप को एक्वायर कर लेते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन लिखा। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखिएगा किससे रिलेटेड है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। अब आइए देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं बताने जा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें से बहुत सी बातें तो मैंने यहां पर डेफिनेशन में ही बता दिया है लेकिन इन्हीं पॉइंट्स को मैं आगे सेपरेट करके आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, और किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसी के होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनके एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मस्ट बिलोंग टू सेम एटम, सेम एटम से बिलोंग करने चाहिए, हैविंग नियरली सेम एनर्जी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्लाइटली डिफरेंस इन देयर एनर्जी
उनके एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मैंने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बिलोंग्स टू सेम एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, या इसी को मैं कह सकता हूँ कि स्लाइटली डिफरेंस इन देयर एनर्जी। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप देखने पर हम बता सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स। ये किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इसको इंडिकेट करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसमें दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s का हो गया और एक p का ऑर्बिटल हो गया। जैसे मैं कहता हूं कि sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें तीन ऑर्बिटल होंगे, एक s के होंगे और दो p के ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहां पे 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला कि sp3, तो sp3 का मतलब क्या हुआ कि एक s के और तीन p के ऑर्बिटल, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पे ये देखिए कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि sp3d, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, एक s के, 3 p के, 3 एक 4 और एक d के, 5 ऑर्बिटल हो गए। तो ये देखिए यहां पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से मैं sp3d2 बोलता हूं तो 6 ऑर्बिटल, sp3d3 बोलता हूं तो 7 ऑर्बिटल। कैसे? एक s के, 3 p के, 3 एक 4 हो गया और 3 जो तक के हो गए d के, तो कितने हो गए, 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अगली बात आप देखिएगा कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सभी एटम सेम एलिमेंट के होने चाहिए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर उसकी ज्योमेट्री को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा अगला प्रॉपर्टी, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में आप क्या देखेंगे, वी कैन प्रिडक्ट, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या बता सकते हैं, ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल का बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर बता सकते हैं। लेकिन ये केवल किसके केस में हम लोग बता सकते हैं, केवल और केवल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ज्योमेट्री बता सकते हैं और बॉन्ड एंगल को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अगर मैं बोलता हूं कि sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन तो इसका शेप कैसा होता है, लीनियर शेप होता है या कोलीनियर या डायगोनल कह सकते हैं। और यहां पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि sp2 टाइप का, तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप आप देखोगे कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि sp3 टाइप का हो गया तो ऐसी कंडीशंस में इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप होगा। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के आसपास होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि sp3d, तो sp3d होने पर इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ये शेप देखिए, ये शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा।
और यहाँ पर दो तरीके के बॉन्ड एंगल पाए जाएंगे, एक तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा और दूसरा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद आपको और बताऊंगा। इसी तरीके से अगर sp3d2 हुआ तो शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। अगर sp3d3 हो गया तो ऐसी कंडीशन में कैसा होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 72 डिग्री होगा। तो ये सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो ये आपने देखा कि तीन इंपॉर्टेंट जो तो पॉइंट्स आपको दिखाई दिया। फिर इसी तरीके से अगला पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट, मैं नीचे के दो पॉइंट इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ये देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है। अगर हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप देखोगे कि कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस आइसोलेटेड एलिमेंट में नहीं होता है। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक इन आइसोलेटेड एलिमेंट, आइसोलेटेड एलिमेंट में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आइसोलेटेड एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप देखोगे कि बेरिलियम में कभी नहीं होगा, बोरॉन में कभी नहीं होगा, कार्बन में कभी नहीं होगा, फास्फोरस में कभी नहीं होगा, सल्फर में कभी नहीं होगा, आयोडीन में कभी भी नहीं होगा। यानी कि अगर एलिमेंट इस फॉर्म में है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हमेशा जब वो बॉन्डेड स्टेट में रहेगा, सेम एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम के साथ रहेगा, बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा, जब कोई बॉन्ड बनाएगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तभी होगा। एंड देयरफॉर इट ऑलवेज अकर्स इन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल में होता है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में होता है। बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप BeCl2 में देखोगे तो होगा बेरिलियम में, BF3 में बोरॉन में होगा, इसी तरीके से CH4 CCl4 में कार्बन में होगा, PCl5 में फास्फोरस में होगा, SF6 में सल्फर में होगा, IF7 में आयोडीन में होगा, इस तरीके से होगा। मैंने बोला कि बेरिलियम में होगा, बोरॉन में होगा, कार्बन में होगा, फास्फोरस में होगा, सल्फर में होगा, आयोडीन में होगा। लेकिन अगर यही एलिमेंट अलग है, आइसोलेटेड फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, तो कभी भी नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, एक्साइटेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस में जो एनर्जी बाहर निकलती है जिसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, उसी एनर्जी का यूज करता है। तो ऐसा क्यों होगा, ये देखिएगा, इट इज बिकॉज इन दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस में, हाइब्रिडाइजेशन में, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कम्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड के बनने के बाद ही आता है, जिसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके बारे में तो पता नहीं कितनी बार नीट और जेई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक, कभी नहीं होता है आइसोलेटेड एलिमेंट, मतलब जैसे बेरिलियम अकेले है,
बोरान अकेले है, कार्बन अकेले है, नाइट्रोजन अकेले है, फास्फोरस ऑक्सीजन अलग हैं, अकेले हैं, फ्री फॉर्म में है, तो उसमें कभी नहीं होगा। एंड देयर फॉर इट ऑलवेज अकर्स, ये हमेशा अकर होता है, किसमें होता है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में, बॉन्डेड कंपाउंड में, जैसे BCl2 में बेरियम में, BF3 में बोरान में, CH4 में कार्बन में, PCl5 में फॉस्फोरस में, SF6 में सल्फर में, IF7 में आयोडीन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए, और वो एनर्जी कैसे होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तभी होती है। इट इज बिकॉज इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कम्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जिसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें, जैसे आपने ओवरलैपिंग की प्रोसेस में देखा है कि ओवरलैपिंग की प्रोसेस में आपने क्या देखा है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वही केवल ओवरलैपिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हों वो सारे के सारे जोता है किसमें पार्टिसिपेट करें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है लेकिन उसकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ऐसी कंडीशन में वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अपोजिट जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगला जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ये देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन All half-filled orbitals must participate in hybridization ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जितने भी half-filled orbitals हैं वो hybridization की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इन कंट्रास्टिंग ऑफ एच एट सम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स may also take part in hybridization, hybridization having slightly difference, या हम लोग कह सकते हैं nearly same energy, slightly difference in their एनर्जीज। और किस मॉलिक्यूल में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं यह प्रोसेस हम लोग देखेंगे। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें आपको दिखाई देगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल है इसमें दिखाई देगा, तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैंने क्या बताया है कि इट इज नॉट नेसेसरी डेट, ये जरूरी नहीं कि जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसी अपोजिट जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी एनर्जी बाकी के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के एनर्जी के लगभग सेम होना चाहिए, लगभग सिमिलर होना चाहिए, दोनों के एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। तो ये देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी डैट in the process of hybridization all half filled orbitals must participate in hybridization, ye koi zaruri nahi hai, and contrasting of it some completely filled orbitals may also take part in hybridization having slightly difference in their energy, ye baat dhyan rakhiyega। fir agla point hum log dekhte hain
नेक्स्ट पॉइंट, मैं ऊपर वाले पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के बाद आप देखोगे जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनका शेप एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाता है। ये देखिए, हम कह सकते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड ऑर्बिटल्स एक्वायर आइडेंटिकल शेप। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और लास्ट पॉइंट यह है कि जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस का रिजल्ट आप क्या देखोगे कि ऑर्बिटल्स में दो लोब्स बन जाते हैं, एक बड़ा लोब होता है जिसको बिगर लोब कहते हैं, पॉजिटिव लोब कहते हैं, और दूसरा जो छोटा लोब स्मॉलर लोब होता है उसको निगेटिव लोब कहते हैं। तो ये देखेंगे आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हो जाता है तो उस ऑर्बिटल्स में दो लोब्स बनते हैं, एक जो बड़ा लोब होता है बिगर लोब होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव लोब कहते हैं, और दूसरा जो स्मॉलर लोब होता है उसको कहते हैं नेगेटिव लोब कहते हैं। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम थे, कैरेक्टर थे, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल बताने जा रहा हूँ, और ये टेबल का इम्पॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हो कि अगर ये टेबल आपको समझ में आ गया, आपने लर्न कर लिया, तो जेई में, नीट एग्जाम में, सीट एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड 90% तक क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो ये मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, इस टेबल को हम लोग देखेंगे। आइए, हाय स्टूडेंट्स, अब ये टेबल जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये हाइब्रिडाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है, और इस टेबल की यूज से हम लोग 90% क्वेश्चन जेई के, नीट एग्जाम के, सीट एग्जाम के कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस टेबल में। सबसे पहले आप देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी में परसेंटेज भी मैं दिखाऊंगा, ज्योमेट्री सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मैं आपको बताऊंगा, बॉन्ड एंगल बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, और रिमार्क, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो रिमार्क में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कह रहे हैं एसपी टाइप का। अगर एसपी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, दो हैं, और दो ऑर्बिटल मिलकर 100% ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50%। यानी कि अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर एस ये 50% होगा, और पी ऑर्बिटल ये भी कितना होगा, ये भी 50% होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों 50-50% होंगे। अगर हम लोग इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कोलीनियर कह सकते हैं, या ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग डायगोनल भी कह सकते हैं। बॉन्ड एंगल देखते हैं तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल एक ही होता है, 180 डिग्री का होगा। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आप देखोगे कि जैसे BeF2 मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि CO2 का मॉलिक्यूल हो गया, और साथ ही साथ जहाँ पे कार्बन कार्बन के पास होता है दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि एल्काइन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन एसपी टाइप का होगा। इनके बारे में रिमार्क थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। दूसरे तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है,
वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp2 टाइप का कहलाएगा। अगर हम लोग sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, तीन हैं। तीन ऑर्बिटल मिलकर 100% बना रहे हैं तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 33.33%। तो s एक ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ पे टोटल तीन ऑर्बिटल है, एक s का है तो s के ऑर्बिटल को नियरली मैं मान लेता हूँ कि 33% है। तो p का ऑर्बिटल दो है तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 67% होगा। 67 और 33 ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा। अगर इसके शेप की बात करते हैं तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होगा, ये 120 डिग्री का होगा। और अगर इस मॉलिक्यूल का हम लोग एग्जांपल देखें कि जिसमें sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो कार्बोनेट आयन CO3- हो गया, BF3 मॉलिक्यूल हो गया, बोरॉन ट्राइफ्लोइड हो गया, और कार्बन कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है यानी कि एक पाई बॉन्ड होगा, यानी कि एल्कीन में मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन एटम का sp2 होगा। और इसके बारे में भी रिमार्क वाला पॉइंट हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर आप देखिए कि जो तीसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, वो तीसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। sp3 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, चार हैं, एक s के और तीन p के, तो चार हो गए। चार ऑर्बिटल में 100% बना रहे हैं तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100/4 मतलब 25% होगा। तो यहाँ पे टोटल चार ऑर्बिटल हैं, s का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25% होगा, और p का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये देखिए 75% होगा। अगर हम लोग इसके शेप की बात करते हैं तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 109.5 डिग्री होगा, या इसी को हम लोग कहेंगे 109.28 नॉट होगा, या 28 मिनट कह सकते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल हो गया, C2H6 मॉलिक्यूल हो गया, ये देखिए सल्फेट आयन SO4- हो गया, अमोनियम आयन हो गया NH4+ हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब इन तीनों के लिए मैं रिमार्क का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, अगर आप देखो तो sp टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर 50% है, sp2 में s कैरेक्टर 33% है, sp3 में s कैरेक्टर 25% है। तो एल्काइन में कार्बन दो पाई बॉन्ड से जुड़ा है, एक सिग्मा बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एल्कीन में डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, और मीथेन इथेन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की वो डायरेक्टली डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम directly depends on percentage of S character, जिसमें S character का percentage सबसे अधिक होगा उस carbon atom की electronegativity भी सबसे अधिक होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि electronegativity of carbon atoms directly depends on percentage of S character पर depend करेगा, यानी कि alkyne वाला carbon सबसे ज़्यादा होगा, फिर electronegative, फिर alkene वाला होगा, और इसके compare में जो methane का है, ethane का carbon है, उसकी electronegativity कम होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला hybridization, जिसको हम कहेंगे sp3d type का hybridization कहेंगे। आइए sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, पांच हैं, एक s के, तीन p के, तीन एक चार और एक d के, कितने हो गए, पांच हो गए। तो ये पांच हो गया। अगर हम लोग 100 पर पांच ऑर्बिटल मिलकर 100% बना रहे हैं तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100/5 होगा तो 20% होगा। तो ये आप s देखो कितना होगा, ये 20% होगा। P की बात करते हैं तो P के कितने ऑर्बिटल हैं, तीन हैं, तो 20 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60% होगा।
डी के एक ही ऑर्बिटल है तो ये डी का कितना हो जाएगा, ये भी 20% होगा। ये देखिए तो टोटल देखें तो 20 और 60 80 और 20 कितना होगा, 100 हो जाएगा। अगर इसके हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। इसकी ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरीके की ज्योमेट्री होगी। अगर हम लोग यहां पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल 109.20 यहां पे दो तरीके के बॉन्ड एंगल होंगे। एक तो पहला बॉन्ड एंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सियल बॉन्ड एंगल, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कहते हैं। जरा समझिएगा, यहां पे दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल और ये 90 डिग्री होता है, और दूसरा जो बॉन्ड एंगल है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल और ये होता है 120 डिग्री होता है। इसके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो जैसे कि PCl5 मॉलिक्यूल है और PF5 मॉलिक्यूल्स है, इनमें पाया जाता है। अगर इसके लिए मैं रिमार्क की बात करूं तो यहां पे आप देखें कि एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो डी सबसेस में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम DXY, DYZ, DZX, DX²-Y² DZ² होता है। तो ये 5 ऑर्बिटल में से कौन सा एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये देखिए हम कह सकते हैं कि DZ² ऑर्बिटल यहां पर टेक पार्ट किस में बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में। यहीं पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला हूं कि यहां पर दो तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड पाया जाता है और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड पाया जाता है। तो एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से अधिक होती है। ये देखिएगा एक्सियल बॉन्ड लेंथ ये ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के कंपेयर में इसकी वैल्यू अधिक होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं तो दो एटम एक दूसरे से दूर पुश कर दिए जाते हैं, है ना, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब यहां पे जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं तो अगर हम लोग PF5 मॉलिक्यूल की बात करते हैं फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की, तो आप यहां पे जो एक्सियल बॉन्ड होता है ये एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ये 153 पिकोमीटर होता है। और अगर मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करता हूं तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 158 पिकोमीटर होती है। तो यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 158 होता है और ये 153 होता है। तो यानी कि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अधिक होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, आपको दिखाई दे रहा है। यही सेम चीज PCl5 में भी पाया जाता है। PCl5 मॉलिक्यूल में आप देखोगे एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 219 पिकोमीटर होती है, 219 पिकोमीटर, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना होता है 204 पिकोमीटर, 204 पिकोमीटर होता है। सेम रीजन, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है जिसके कारण दो एटम एक दूसरे से दूर पुश कर दिए जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये मैंने आपको 4 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन बताया। अभी 2 हाइब्रिडाइजेशन और हैं, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं कि 2 हाइब्रिडाइजेशन और कौन से हैं, उनमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, इन सारी बातों को हम लोग देख लेते हैं, समझते हैं क्या नई बातें हम लोगों को मिलेंगी इसके बारे में। दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन कौन से हैं हम लोग बात करते रहें, sp3d2 है और sp3d3 है। अगर sp3d2 में देखें तो वहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 6 हैं, जबकि sp3d3 में देखते हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 7 हैं।
ये बातें हम लोग समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि sp3d2, तो यहाँ पे आप देखिए 3 1 4 2 6 हो गया, तो 6 हो गया, और 6 ऑर्बिटल मिलकर 100% बनाते हैं, तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 16.66 होगा। आप करोगे तो यही आएगा। तो ये s के एक ऑर्बिटल है, तो s का कितना होगा, ये 16.66% होगा। p के तीन ऑर्बिटल हैं, तो p का कितना होगा, 3 × 16.66% होगा। d के आप यहाँ पे देखिए दो ऑर्बिटल हैं, तो 2 × 16.66% हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर p की बात करते हैं तो 16 × 3 = 48 नियर अबाउट जो था, ये कितना होगा, 50% के आसपास होगा। d का अगर देखिए तो 16 × 32 लगभग जो था, ये 33% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हम लोग इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो ज्योमेट्री इसका कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुआ, सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे। इसका एग्जांपल सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, SF6 हो गया। और अगर मैं इसके जो लिए रिमार्क के पॉइंट की बात करूं, तो देखें यहाँ पे 2D के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2D के ऑर्बिटल कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, dx²-y² में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद dz² ऑर्बिटल में जाएगा, याद रखिएगा। तो ये रिमार्क के पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमार्क के पॉइंट, ये R का मतलब रिमार्क हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स फर्स्ट इन dx²-y² ऑर्बिटल एंड देन इन dz² ऑर्बिटल। इसको भूलिएगा मत, जैसे मैंने sp3d वाले में बताया था कि इलेक्ट्रॉन dz² ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले इसमें dz² में और एंटर करेगा, नहीं, यही बात आपको ध्यान रखना है, पहले इलेक्ट्रॉन dx²-y² में एंटर करता है, इसके बाद dz² ऑर्बिटल में। और इन्हीं दोनों ऑर्बिटल में क्यों, क्योंकि 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दोनों d ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर एक लास्ट टाइप का और हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ है, और वो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम लोग sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 3 6 1 7 ऑर्बिटल हो गए, 7 ऑर्बिटल मिलके 100% का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 14.28% आएगा। तो यहाँ पे टोटल आप 7 ऑर्बिटल देखोगे, s कितना होगा, ये 14.28% हो जाएगा। p की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 × 14.28% हो जाएगा। d के भी तीन ऑर्बिटल है, तो 3 × 14.28% होगा। ऐसे निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 14.28 में, तो p का परसेंटेज आएगा, और d में जो था अगर 14.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो d का परसेंटेज आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे शेप की बात करते हैं, तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप होता है। ये देखिए पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो यहाँ भी दो तरीके के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। एक तो होता है जिसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल, ये देखिए एक्सियल बॉन्ड एंगल, ये एक्सियल बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कहते हैं, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितने का होता है, ये 72 डिग्री का होता है, 72 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। और अगर मैं इसके लिए नोट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, रिमार्क में जो तो बताऊं, पहले इसका एग्जांपल देख लें, तो इसका एग्जांपल है IF7 आयोडीन सेप्टाफ्लोराइड। अब इसके लिए मैं रिमार्क की बात करूं, तो रिमार्क की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हो यहां पर कि डी के तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, DXY में, DZX में, और फिर DYZ ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन DXY
DZX एंड DYZ ऑर्बिटल्स, या हम लोग कह सकते हैं कि DXY, DZX और DYZ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में, इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन में sp3d3 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मैंने आपको टेबल से पूरे डिफरेंट टाइप के छह तरीके के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको छह तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को अलग अलग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ज्योमेट्री बनती है, कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को सीखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखते रहिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी देखिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए। कीप ऑन। थैंक यू।